6 by 40 feet home plan design. तो हमें पहले डिजाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉलम इधर रेडी करने पड़ेगा. तो उसके बाद इसका वॉल और डोर विंडो एंड इसका फर्नीचर लेआउट प्लान शेयर करके दिखाएंगे. तो देखिए पहले जो स्टेयर का पार्ट था उसको भी हम दिखाएंगे. तो इतना पार्ट इधर रेडी कर दिया है. उसके बाद इधर 8 फीट हाइट देखिए मेन इधर बरामदा. उसके बाद और एक रूम ओके इधर. तो हर वॉल आउटर एंड इंटरनल 5 इंच वॉल एंड 10 इंच वॉल का अंदर हमने रेडी किया है. 5 इंच वॉल 1 से 2 जगह पर हम इस्तेमाल किया है. बाकी जितना वॉल इधर आपको दिखाई दे रहा है तो ड्राइंग के अंदर आपको दिखाई देगा. तो उसमें हम 10 इंच का वॉल इस्तेमाल किया है. मैक्सिमम जितना वॉल था हमने 10 इंच का ही वॉल ऐड किया है. बाहर अंदर दोनों जगह पर आपका बाड़ी घर का जो मजबूती है और जो इसका प्राइवेसी आपको अच्छे से ज़्यादा आ जाएगा. चलिए उसके बाद हमें कुछ विंडो ऐड करना है इसके अंदर. इसके लिए हमें पहले 7 फीट एंड डेप्थ 4 फीट 6 इंच रख के घर बनाना पड़ेगा ऐसे. उसके बाद इधर हमें इसका एक पार्ट इधर दिखाई देगा. देखिए हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं. इसका जितना भी हम इधर 2 फीट इधर इधर लेकर जाएंगे इधर 2 फीट तो हमें इधर एक विंडो दिखने को मिल जाएगा 7 फीट और डेप्थ 4 फीट 6 इंच. तो इससे हम इधर डोर और विंडो दोनों एक साथ अटैच कर सकते हैं. आप चाहे तो सेंटर में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. इधर बैल्कनी कम पोर्टिको पार्ट पोर्च का पार्ट रहेगा. उसके बाद देखिए इधर रहेगा आपका पूजा घर पूजा रूम जो गॉड का रूम इधर रहेगा. इसके लिए हम देखिए ऐसे डिजाइन किया है. इधर थोड़ा सा पार्ट इसका ऐसे ओपन रहेगा. तो चलिए उसके बाद और भी कुछ विंडो ऐड करके डिजाइन रेडी करते हैं. तो इधर 1 फीट 6 इंच उसके बाद 7 फीट 2.1 मीटर डेप्थ 4 फीट 6 इंच 1350 मिलीमीटर. तो पीछे की तरफ इधर पीछे में हम 3 बेडरूम प्रोवाइड किया है. और 3 बेडरूम के लिए हमें इसका जो वेंटिलेटर चाहिए उसको भी हम ऐड करके दिखाएंगे. 4 फीट 6 इंच किचन एंड विंडो किचन का विंडो एंड डोर का इधर बेडरूम का विंडो इधर हम सेट करके रखा है. जस्ट बिल्डिंग एरिया इधर हम आपके साथ शेयर किया है. बिल्डिंग एरिया प्लॉट एरिया से बिल्डिंग एरिया कम है इसलिए हमने प्लॉट एरिया नहीं दिखाया है. आपका अगर पास इससे ज़्यादा बड़ा प्लॉट है तो आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बिल्डिंग प्लान को देख के घर बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट पर इधर कंप्लीट कर दिया है डोर विंडो के साथ. चलिए उसके बाद हम इसके अंदर कुछ इधर जो स्टेयर इसको ऐड करते हैं. इधर फाइनल 3D ड्राइंग और फर्नीचर लेआउट कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद देखिए फ्रंट में थोड़ा सा आपको कुछ डिज़ाइन दिखाई देगा फ्रंट साइड में. उसके बाद देखिए पहला जो है ओपन बारंदा कम पोर्टिको इधर. तो घर के अंदर आने के बाद आपको इसके अंदर डाइनिंग टेबल और उसके साथ 2 इधर सोफा सेट और सामने इधर पूजा रूम
पूजा रूम, गॉड रूम, इधर टॉयलेट एंड बाथरूम रूम के साथ अटैच, और इधर दो जो बेडरूम है इसके साथ एक कॉमन बाथरूम एंड लेट्रिन, साथ में इधर किचन, और इधर इस साइड पर एक स्टेयर रूम कम, इधर आप चाहे तो एक सिटिंग एरिया इधर ऐड करके डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल इधर एक डिजाइन है। उसके बाद आपको जो इसका 2D ड्राइंग आपके साथ हम शेयर करेंगे, 3 बेडरूम के साथ, देखिए दो बाथरूम, टॉयलेट, इधर किचन, इधर किचन, इधर डाइनिंग ड्राइंग, पूजा रूम, ओपन पोर्च कम पोर्टिको, इधर स्टेयर रूम। तो चलिए 36x40 का होम प्लान डिजाइन, तो इसका 2D ड्राइंग शेयर करते हैं आपके साथ। तो फाइनल मेजरमेंट 36x40, बेडरूम 11x13 फीट, 10 फीट 8 फीट और 13 फीट, 11 फीट बाई 13 फीट बेडरूम प्लेस करना है। बेडरूम इधर 1, 2 एंड 3, किचन, किचन रूम मेजरमेंट 11x10 फीट 4 का एक किचन रूम। उसके बाद बाथ एंड लेट्रिन साइज 7 फीट 7 बाई 4 फीट 6 एंड कॉमन बाथ एंड लेट्रिन के बाद अटैच बाथ एंड लेट्रिन फोर फीट सिक्स बाई सेवन फीट टू। नेक्स्ट डाइनिंग ड्राइंग एरिया 10 फीट 4 और 22 फीट 6 इंच, DINING डाइनिंग कम DRAWING ड्राइंग, डाइनिंग कम ड्राइंग इधर प्लेस करेंगे। उसके बाद 15 फीट 8 इंच एंड 14 फीट 6 इंच पूरा मेजरमेंट ऐड कर दिया है। पूजा कम गॉड रूम इधर पूजा रूम, ओके। नेक्स्ट PORCH पोर्च एंड PORTICO पोर्च कम पोर्टिको, इधर बारंदा रहेगा, ओपन बारंदा, आपको जो मन चाहे आपका वो कर सकते हैं आप। इधर एलो बी बी एल बी एंड स्टेयर एरिया, स्टेयर आप मेजरमेंट 6 फीट 3 इंच, 6 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच पूरा मेजरमेंट 8 फीट, 3 फीट 6 इंच, ओके। मेन गेट 5 फीट, तो जितना मेजरमेंट हमें चाहिए हम इसके अंदर पूरा रेडी कर दिया है। इसका स्क्वायर फीट 36x40 1440 स्क्वायर फीट का होम प्लान डिजाइन, टोटल कॉस्टिंग 28 से 30 लाख रुपीस तक टोटल खर्चा आएगा। आउटसाइड वॉल 10 इंच का वॉल, कॉलम 10x12 का कॉलम,